సెక్యులరిజం పేరుతో కొందరు జాతీయ గీతాన్ని అవమానిస్తున్నారన్నారు కేంద్ర మంత్రి ముక్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ. జాతీయ గీతాన్ని, జాతీయ గేయాన్ని గౌరవించకపోయినా అవమానించొద్దని సూచించారు. మోడీ హయాంలో దేశం అభివృద్ది వైపు పరుగులు తీస్తోందన్నారు. స్థిరమైన అభివృద్దిని సాధిస్తున్నామన్నారు. देखिए एक बात, राष्ट्र गीत हो या राष्ट्र गान हो, हम नहीं मानते कि अगर वो कोई नहीं गाता तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है. लेकिन ये बात सही है कि जो लोग उसका अपमान करते हैं, जानबूझ करके उसको अपमान करते हैं, वो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते. कुछ लोग अपने को सेकुलर दिखाने के चक्कर में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और जनगण मन जैसे देश के लोग, करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमान करना अपना लगता है उनका सेकुलर कर्तव्य है. तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो, आप ठीक है, आपकी इच्छा है, आप सम्मान करिए ना करिए, लेकिन अपमान का आपको अधिकार नहीं है. देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है, आज पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से महसूस भी कर रही है और बता भी रही है कि भारत एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्टेबल अर्थव्यवस्था है और आगे बढ़ रही है. हर क्षेत्र में इन पिछले 3 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने, चाहे वो रिफॉर्म का क्षेत्र हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्षेत्र हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में तेजी के साथ ये सरकार आगे बढ़ी. और ईमानदारी के साथ किस तरह से सुशासन किया जा सकता है, इसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण आज की सरकार है. और वो तमाम बड़े बड़े रिफॉर्म जो हुए हैं, वो देश के उन कमजोर तबकों, उन गरीबों, उन किसानों, उन नौजवानों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के संकल्प के साथ हुए हैं, जिन तक की विकास की रोशनी पहुंचने में या पहुंचाने में इस तरह की जो ताकतें थी, जो ताकतें की कहीं ना कहीं लूट की लॉबी बनाई हुई थी, वो रोड़ा अटकाती थी, उनका खात्मा किया गया है. रोजगार और रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे. आज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. आज उद्योग के क्षेत्र में भारत जो है वो पूरी दुनिया भारत की तरफ नजर देख रही है. तो इसलिए हम मानते हैं कि एक बहुत मजबूत व्यवस्था है, बहुत ही विश्वसनीय.